press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, मैं हूं कमरान अकमल और आप देख रहे हैं ऑल पीएड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का यह वीडियो निष्ठा ऐप से रिलेटेड है। दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में यह कोर्स को हम लोग आज नवा मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे, बिहार पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यह कोर्स को। यहाँ क्लिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसका आंसर होगा, प्रत्येक कक्षा के सीखने के लिए प्रतिफल अलग होते हैं, यह वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्किप बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्यापक के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। इसके बाद स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ये होगा, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट, ये वाला ऑप्शन सही है। और यहाँ पे क्लिक करें, स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रह है। इसका आंसर होगा, रिड्यूस काम करना, रिड्यूस पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। उसके बाद इसको क्लिक करके यहाँ स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? इसका आंसर है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। उसके बाद स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत समाज गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? इसका आंसर होगा, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने का बढ़ावा देना। उसके बाद स्किप बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। इसको क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता उसे, इसका आंसर है, परिभाषाओं को याद करना। इसके बाद स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका आंसर होगा, पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक अंतर्विषयक, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद स्किप करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन को टच किया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, नेक्स्ट नहीं किया, भगाया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करें। ये देखिए दोस्तों, मेरा 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर सही है। यह मेरा नवा मॉडल
कंप्लीट हुआ। दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, नेक्स्ट मॉड्यूल 10 नंबर स्टार्ट करेंगे जब कोर्स पूरा होगा तो। इसलिए दोस्तों हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा करें नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए। दोस्तों अगर यह मेरी वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को अभी 10 में से 10 नंबर आए और अच्छा मार्क्स के साथ अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।